नमस्कार प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोर छुके गोर लागत नहीं तो कैसन बानी रहुआ लोग बताए जा जरूर। और आप लोगन के मन में बहुत बार विचार आवत हुई, हर बार विचार आवत हुई कि भौजी इतना वीडियो बनावे ली, इतना भौजी फेमस है, तो भौजी कमाली कितना। तो आज हम आप लोग के बताए कि हम कितना कमाली, कहाँ कहाँ से कमाली और कहाँ खर्च करेंगे, महीना में हमार या फिर पर डे हमार इनकम कितना होला। तो आज ये वीडियो के माध्यम से आप लोग के पूरा हमार लाइफ के पूरा जर्नी आप लोग के पता चल जाए कि हम कितना कमाली, कितना स्ट्रगल कैले के बाद इतना आगे हम बढ़ल बाटी, ठीक ना। तो आप ये वीडियो में शुरू से लास्ट तक बनल रहब तबे जान पाए कि हम कितना कमाली, कितना मेहनत कैनी, का कैनी का ना कैनी, तो आप लोग के सब पता चल जाए। तो हम शुरू करता नहीं टिकटॉक से। जब हम टिकटॉक बनावत रही तो टिकटॉक पे हमार 2,000,004 फॉलोअर रहना है, यानी कि 20,40,000 फॉलोअर रहना है, तो टिकटॉक बैंड हो गई। टिकटॉक से हमार कोनो कमाई ना भई। तो टिकटॉक से हमार एक आईडी पर दू गो आईडी रहे, एक गोरखपुरिया भौजी 53 से रहे, एक रिंकी राय 15 से रहे। जैसे कि रउआ लोग जाना था नहीं कि हमार रियल नाम हमार रिंकी राय है, उर्फ रिंकी निषाद। तो हमार दू आईडी रहा, एक आईडी जैसे कि बैंड हो गई, केहू हमार आईडी हैक कर लेलस, तो हम तुरंत दूसर आईडी बनौनी। तो दूसर आईडी पर भी हमार 10 दिन के अंदर 1,00,000 फॉलोअर हम कंप्लीट कर ले रहनी। फिर भी हमके टिकटॉक पता ना का सोच के हमार आईडी 15 दिन के बाद वापस दे देलस। तो फिर वही आईडी पर हम बनाए लगनी, वही आईडी पर हमार 1,50,000 फॉलोअर रहना। तो उसे तो हमार कुछ ज्यादा फायदा ना भइल, मतलब खाली फॉलोअर जुटैनी, नाम कमैनी उसे। और रह गए बीगो के बाद, तो बीगो पर भी हम लास्ट में एकदम बीगो पे आईनी, बीगो पर भी हमार 8,00,000 फॉलोअर रहना। बीगो पर बहुत बढ़िया पैसा कमेले रहनी, बहुत अच्छा पैसा कमेले रहनी। बीगो पर हम 1,30,000 रुपया कमेले रहनी, जौना के डायमंड में मिलत रहन। आप लोग के जहां तक पता हो कि डायमंड बाहरी पैसा है और पैसा में कन्वर्ट होला। तो बीगो के पैसा निकाले खरीदी नौकरा के हमके पेटीएम बनवावे के पड़ल। तो लॉकडाउन जैसन कि रउआ लोग जाना तानी कि लॉकडाउन वो समय चलत रहल पिछले साल, तो लॉकडाउन में हम कहीं पेटीएम बनवावे जा ना पावत रहनी कि अपने नाम से हम पेटीएम बनवाई। तो एकदम लास्ट में गईनी हम पेटीएम बनवावे भैनी, 3-4 दिन लागल पेटीएम बनवावे में। तो हम आप लोग के बता दें कि 3 या 4 बेर में 30,000 रुपया हम बीगो से निकाल ले रहनी। बाकी जौन 1,00,000 रुपया रहा हमार बीगो में फंस गए, काहे कि बीगो बैंड हो गई। तो 1,00,000 रुपया फंस गए, तब भी हमके कोनो अफसोस ना भइल, काहे कि टैलेंट जैसन कि रउआ लोग जाने नहीं कि अगर हम रील्स बनाइले रहती, जैसे कि लिपसिंग बनाइले रहती, तो रउआ लोग जैसे हर फॉलोअर के आप लोग भूल गए नहीं, वैसे ही हमऊ के भूल गए रहती। तो हम आप लोग जाने नहीं कि अपने मुँहे से बोल के, अपने मुँहे से गा के, अपने मुँहे से सब कुछ टैलेंट दिखा के हम वीडियो बनाइला। तो हमार आवाज, हमार चेहरा फेमस रहल, तो हमार जलवा फिर यूट्यूब पे चालू हो, स्नैप पे चालू हो गए। स्नैप पे हम वीडियो बनैनी, स्नैप पर भी हमारे 2,004,000 फॉलोअर हो गए लाना है। स्नैप भी बंद हो गए, हमके कोनो अफसोस ना भइल, काहे कि चाइनीज ऐप है, गइल तो गइल, आखिर हमार भारत में, हम भारत के निवासी हैं। तो हमन के गर्व होके चाहे कि सरकार कोनो अगर नियम लेती या बंद करे खाती तो बहुत अच्छी बात है। तो उसे हम भी हमके कोनो उठी ना भइल। फिर हमार फॉलोअर लोग कहना कि भौजी या तू यूट्यूब पर मेहनत करे, यूट्यूब पर आप अपन टैलेंट भी दिखा सकेलू, तुहरे लगे 4 पैसा आईबो करी। तो हम कहली कैसे आई, हमके कुछ मालूम ना रहल। हम आईडी बना लेली यूट्यूब पर, जब टिकटॉक रहल तब भी आईडी हमार बनल रहल। जहिया टिकटॉक बैंड भइल वही दिन आईडी बनल, पिछले साल अप्रैल में टिकटॉक बैंड भइल, अप्रैल में वही दिन आईडी हमार बनल जे दिन टिकटॉक बैंड भइल। काहे कि टिकटॉक जहिया हमार बैंड भइल तहिया हम बहुत बड़ पार्टी कैले रहनी, काहे कि लॉकडाउन सबके मार देले रहल, सबके एकदम लाचार बना देले रहल। यहाँ तक कि लॉकडाउन के वजह से हमार अभी तक, मतलब बहुत जो ऐसा गांव में जेकर बिजनेस चलत रहा, जैसे स्कूल से रिलेटेड, जैसे कि मान ली पूरा साल खत्म हो गया स्कूल में, स्कूल के जैसे केहू कापी बेचत रहा, केहू किताब बेचत रहा, केहू कलम बेचत रहा। तो हमार हस्बैंड कलम का बिजनेस करत रहना है, तो वो होलसेल मार्केट करत रहना है। पर डे के कमाई 4 या 5 हजार ऊपर रहना, उनकर खुद के कमाई 4-5 हजार पर डे का बच जात रहा बहुत अच्छा से। जैसे लॉकडाउन लगल, स्कूल बैंड भइल, तो उनकर कमाई बैंड हो गई। ऐसे कि स्कूल जब चली ना तो आदमी पढ़ी लिखी ना, लड़का लोग पढ़ी लिखी ना, तो बिक्री कहाँ से हुई। उनकर बैंड हो गई तो उनकर बहुत भारी नुकसान हमार भइल। तो हमके कानो अफसोस ना भइल जब स्नैक या टिकटॉक बंद भइल, तो कुछ ना अफसोस भइल, काहे कि चाइनीज ऐप रहल गइल तो गइल, कोरोना कहीं ना कहीं चाइना से ही आई लहल, आप लोग भी जानत हैं। तो ओ महामार
से तो हम छुट्टी पा लेनी, बहुत स्ट्रगल कैनी, बहुत मेहनत कैनी, बहुत मतलब परेशानी जैसन कहल जला वैसन झेलनी, फिर सक्सेस भैनी हम यूट्यूब पर। यूट्यूब पर भी आईडी हमार बनल रहल और वीडियो ना डालत रहनी, फिर वीडियो हम डालल स्टार्ट कैनी, 4 या 5 वीडियो डालनी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गेल, ओकर व्यू कहल जला व्यू के हिसाब से ओपर लाइक आवेला, व्यू के हिसाब से ओपर पैसा आवेला। तो व्यू हमार लाखों में मिलियन में व्यू जाए लगल, शॉर्ट वीडियो जैसन कि लोग जाने नहीं आप लोग कि हम शॉर्ट वीडियो बना बना के डाले लगनी, तो हमार मिलियन में व्यू आवे लगल। अब बहुत जल्दी 1 या 1.5 महीना के अंदर हम 5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर पूरा कर लेनी। जब हम यूट्यूब पर 5 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर लेनी तो हमरे ई ना समझ में आवे कि हम मोनेटाइज चैनल कैसे कराई, हमरा मोनेटाइज ना करे आवेला, मतलब अभी भी ना करे आवेला, काहे कि हम ये सब के बारे में बहुत कुछ ना जानेला, काहे कि अगर मोनेटाइज अगर करावे के हो तो कौनो आप बहुत अच्छा सोशल साइबर कैफे पर जाए या फिर कहीं जाए तो वहां से मोनेटाइज होला, या फिर अगर आपके पास टैलेंट बा तो आप खुद अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सके नी मोनेटाइज करते, तो ये हमरे ना आवत रहल। हम बार बार सोची कि हम के दे अपन चैनल मोनेटाइज करे के, विश्वास ना रहा के करे, फिर विश्वास करी, काहे कि बहुत लोग डरवा दे रहे कि ए भौजी ऐसा ना करिया, केहू की अपन आईडी ना बताइया, केहू की अपन पासवर्ड ना बताइया, हैकर बैठल रहे ना, दरिया दरिया हैकर, तू डल्लू पासवर्ड, वहां कोनो हैकर बैठल बा हैक कर लिए, इतना डर हमरे अंदर सब भर दे रहा है कि हम एकदम डर गई रही। आ डर डर के मारे 5 लाख हमारे सब्सक्राइबर हो गए ना, फिर भी हम मोनेटाइज ना करानी। 5 लाख के बाद फिर हमसे केहू बतावल एक डिजिटल भोजपुरी के डिजिटल किंग विकी यादव जी के बारे में, तो वो जैसे खेसारी के, अक्षरा सिंह के, काजल राधवानी के, मतलब खाली नीरहू जी के और पवन जी के चैनल सिर्फ ना देखे ना, बाकी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबकर चैनल देखे नी, आ किंग मानल जानी। आप लोग अगर यूट्यूब के बारे में सर्च करो विकी यादव के, तो आपके उनके बारे में पूरा बायोडाटा मिल जाये, तो उनकरा बारे में केहू हमसे बतैलस, तब हम विकी यादव जी के पास गई नी, वहां पे अपन हम आईडी पासवर्ड सब कुछ दिए नी। हमार वही दिन चैनल मोनेटाइज भइल, और मोनेटाइज भइला के बाद 5 लाख सब्सक्राइबर जब हमार कंप्लीट हो गए, 5,50,000 जब कंप्लीट हो गए, तो हमरा पास पैसा आवल चालू हो गए। तो हम रउआ लोग से अब बतावा तानी कि हम कितना पैसा यूट्यूब से कमा गई। पहला बार हमरे पास आयल पैसा 50,000, 50,300 रुपया आये खाते में। तो जैसन कि रउआ लोग जाना तानी कि यूट्यूब हो खे चाहे कौनो एप्स हो खे, जब आपके बैंक के अकाउंट में पैसों के माध्यम से बताए कि मतलब हम कितना महीना में मंथली या पर डे कितना कमा लेनी, ओकर टैक्स कितना भर देनी, तो हम बतानी कि हम पर डे में कितना कमा लेनी। तो पर डे में जैसे कि हमार कॉमेडी वीडियो आप लोग जानेला कि हम शूट करीला, अपन चैनल पे भी शूट करीला और दूसरे के चैनल पर भी शूट करीला, तो दूसरे के अगर हम कॉमेडी वीडियो शूट करतानी तो पर डे के 5,000 रुपया हम लेला। आप पर डे के 5,000 रुपया में अगर वो हमके थोड़ा सा एक लाइन हेंट दे दी है तो 15 से 20 वीडियो हम खींच देला एक दिन में, 5,000 रुपया वो हो गई। ओकरे बाद भाई एल्बम के बाद, तो एल्बम के भी हम पर डे के 5,000 रुपया लेना। आप चाहे एक एल्बम बनावे, चाहे 4 एल्बम बनावे, चाहे 2 गो बनावे, चाहे छापे दे, हमसे मतलब ना है ठीक। तो रउआ लोग जैसन की जानेला कि हम हॉट सीन, बेड सीन और टच टच वाला सीन ना देना, साफ सुथरा सीन रहेला तो लिपसिंग रहेला, एक्टिंग रहेला, कॉमेडी रहेला तो उसमें कही देना। आप लोग तो जानबे करेला कि हमारे जहाँ नाम आ गए खाली गोरखपुरिया भौजी तो वीडियो वायरल हो। तो ऐसी करके मतलब हम बाहरी शूट से, जैसे कि यूट्यूब से ना, बाहरी शूट से दूसरे से, मान ली महीना में 30 दिन होता, 30 दिन में हम 20 दिन दूसरे के शूट पर रहेला, जैसे कॉमेडी या एल्बम पर, और रह गए 10 दिन। तो 10 दिन में 5 दिन हम अपन पे, अपन चैनल पे काम करेला, अपन चैनल के हम वीडियो बनाईला। तो अपन चैनल से हम कितना कमाईला यो बताई, अब पर डे में हम कितना कमाईला यो बताई। तो पर डे के मान के चली कि हमारे पर डे के 10 या 15 हजार या 20 हजार कभी कभी पर डे में हमार बन जाला। तो जैसन कि रउआ लोग जानता नहीं कि हमार हस्बैंड के कमाई पूरा बंद हो गई लाल है, और हमार यही से हमार जर्नी चालू हो गई लाल है। तो हमार हस्बैंड भी हमार एमे पूरा साथ सहयोग देलन, और हमार जर्नी अहम ओमे आप लोग के बताए कि हम ओमे से कितना गरीबन में दान कर देनी, गरीबन में कितना दान करनी, जैसे शादी भइल, विवाह भइल, केहू गरीब बा ओकरा पास शादी के जोड़ा ना बा, तो ओके हम कोनो लड़की अगर गरीब बा शादी के जोड़ा नहीं के, तो हमरे पास अगर कहीं से खबर आ जाला तो हम ओके एगो शादी के जोड़ा गिफ्ट कर देना, 10,000 रुपया दे देना, कुछ मतलब ओके का बोरा गेहूँ
चावल आटा ये ऐसी दे देला, चाहे एक टीना रिफाइन में होला दे देला। मान के चले कि यह है कि हम 4 लाख तक महीना में कमा लेला, जौना में 1 लाख हमरा के कम से कम 1,90,000 या फिर 80,000 कभी कभी इतना हमके टैक्स देवे के पड़ जाला, तो ओमन से हम कुछ गरीबन में भी दान कर देला। कुछ का मतलब बहुत कुछ हम दान कर देला, जौना के हम गुप्त दान कैला, कभी अगर चाहती तो हम वीडियो भी बना देती, लेकिन केहू के दान कह के पूरा दुनिया में प्रसिद्ध कैली अच्छी बात ना है। अगर हम उतना कमाते वही लोग के देन बा, गरीब लोगन के देन बा, गरीब लोग के दुआ बा, आशीर्वाद बा कि हम इतना आगे बढ़ती। पैसा तो हाथ कमाएल कभी भी आई कभी भी जाई, तो कुछ गरीबन में दान कैल भी बहुत अच्छी बात होला। काहे कि एक गरीब ही गरीब का दुखिया जान सकेला, काहे कि हम शुरू से हमारे पास तो इतना कुछ ना रहा कि हम इथी करी, काहे से कि हम बहुत गरीब रहनी पहले हमारे पास ऐसा भी रहा कि पहले कि कभी घर में खाए के रहे कभी ना रहे। आदमी घर में कहल जाला ना कि घर में से पानी पी के अगर निकलल जाए तो बाहर आदमी जाना कि डेकार मारत कि जाना कि हाँ फूक फूक खैले बने। अभी भी हमन का रहल सहल चाहे पहले ही भी ऐसे पहले भी लोग आदमी जाना कि बहुत इन्हन के पास पैसा हुई बहुत, लेकिन वो तो हम जानी ना कि हमारे पास कितना पैसा बा, हम कैसे रहनी कैसे खानी कैसे का करेनी। तो हम एक गरीब का जिंदगी जी चुकल बानी, ऐसे हम गरीब का दुख बहुत अच्छी तरह से जानेनी। और रउआ लोग से हम ई कहल चाहता नहीं कि अगर आप लोग के पास उतना बा, भगवान आपके उतना कैले बाना कि हाँ आप एक गरीब के थोड़ा कुछ दान दे सकीला, तो बहुत अच्छी बात है। आप न ज्यादा तो कुछ इतना थोड़ा सा ही दान दे, कुछ अटवे दे दे, कुछ चौलवे दे दे या फिर कपड़वे दे दे, वैसे ही हम भी करीला। हम हफ्ता में एक दिन गोरखपुर जरूर जाएला, गोरखपुर यानी कि कौनो मंदिर जाएला, जैसे कि गोलघर में काली मंदिर एक बार, वहां पे हमके बहुत सारा भिखारी मिलेला। तो हम जब जाएला तो कभी अभी हमके जाए के बाद हम वहां पे भिखारी, जैसे कि आप तो लोग जानते नहीं कि गर्मी आ गई बा, तो भिखारी लोग खरीदिन हम जाए तो कुछ गर्मी वाला कपड़ा खरीद खरीदे बा हमके, और हम जाए तो वो लोग खरीदिन लेके जाए बुढ़िया माई जाएला, तरकुल्हा माई के स्थान पे जाएला जहाँ बहुत सारा भिखारी मिलेला। और वो लोग के हम कपड़ा के अलावा खाना भी खरीद के अपने हाथ से अपने सामने खिलाएला। और उसके बाद से अगर घर पे हम कुछ बनैले बानी तो बहुत सारा टिफिन में मतलब या डब्बा खंडिब्बा जैसे डल्लू होला ना ओमे भर के हम लेके जाएला, अच्छा अच्छा जैसे मीठा कोई खाना हो गई, जैसे मतलब आप लोग समझ सकीला कि गरीब के का अच्छा लगेला का ना मिलेला खाए के, वो चीज हम लेके जाएला। और बहुत हमरा के अच्छा लगेला जब वो लोग कहेला बहनी तू सगा सदा सुखी रह, कौनो अगर हमके मेहरारू वहां पे मिल जाले, जैसे कि एकदम बुजुर्ग ही आते। एक तरकुल्हा मंदिर में हम गए लानी जब हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर पूरा भेला ना, हम गए लानी एगो ऐसा बुजुर्ग मेहरारू मिलल, ठंडी थोड़ा मौसम रहे ऐसे कापत रहे, हम गयनी ओकरे बाद से उनके हम कहानी ऐसे मांगत रही तो हम उनके 10 रुपया दे दिए। फिर हमारे हस्बैंड लगना हमके डांटे कहते ना 10 रुपया क्यों दे रही हूँ, 100 रुपया दो उनको, हमके 100 रुपया नहीं कुछ उनसे पूछिए खाने के लिए। तो हम बोले चाची कुछ खाइबू, तो कहती हाँ बहनी हमके भूख लगल बा, हम कहीं क्या खाइबू, तो वो छोला भटोरा ना बिकेला ओजा इतना बड़ा बड़ा छोला भटोरा जौन बिकेला, कहती बहनी हम हुए खाए, हम कहीं चलो हम ले आवा तनी। तो गयनी उनकरे खातिन हम छोला भटोरा खरीद के ले आके और खियनी, जैसे खियनी उनका हथवा जैसे ना खुला खुला रहा उनका हथवा जल गई, तो हम उनके अपने हाथ से खिलाए लगनी। तो कुछ फैन भी वहाँ हमके देख लेना जैसे पहचान गए ना, हम तो वीडियो ना बनैनी लेकिन वो लोग लगना वीडियो बनाए तो हम मना कैनी, कहनी ये बहुत गलत बात है, अगर हम केहू के दान पुण्य करत नहीं तो आप लोग अगर रिकॉर्डिंग करब तो ये गलत मैसेज जाई, क्योंकि आप किसी को भी दान पुण्य करिए तो आप उसका वीडियो मत बनाइए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज है। अगर ये वीडियो अगर बनाएंगे तो आप ये आसान कर रहे हैं अपनी वीडियो वायरल करने के लिए, ये चीज कर रहे हैं, तो ये चीज हम नहीं करते हैं और ना ही कभी करेंगे, ठीक है। तो ये हम आप ही मोटा आप लोग ये जान ली कि महीना में कम से कम 1 या 1.5 लाख रुपया के हम पैसा ना नगद दे ला, बहुत आप लोग से हम बता दे काहे झूठ बोली, 200-400 से ज्यादा पैसा नगद ना दे पाएला। ओ लोन के हम कभी चावल दे देला, कभी गेहूं दे देला, कभी कपड़ा दे। तो हाटा बाजार में रास्ता में जैसे हमारे एक बार शूटिंग रहल बढ़लगंज में जौन मुक्ति धाम बा, तो हम रास्ता में जात रहनी खिचड़ी के दिन रहल जात रहनी, रास्ता में तो बहुत सारा भिखारी मिलल है, एक भिखारी तो ऐसा मिलल के बीच रोडवे में अपन डेरा डाल के। तो हम जब उधर से वापस आईनी तो हम 4 या 5 कंबल खरीद के लेके आईनी और दान कैनी। हाँ हम पैसा दान करेनी लेकिन ओके दान करेनी जेके कोनो लड़की के शादी बा ओकरे पास ना बा या फिर वो लड़की के बाप नहीं खे, मतलब गरीब एकदम गरीब, ओके हम पैसा दे ला 10,000 से 15,000 यहाँ तक कि 20,000 तक रुपया हम दे ले हैं। अब नाम हम ना ले काहे कि बहुत ज्यादा हम
अपने क्षेत्र में भी दान कहने वाणी, तो उन लोग के भी अगर ये वीडियो जाए तो उन लोग के बुरा लगी कि भाभी जी दे करके और पब्लिक में लावा तड़ी, तो इस चीज हम ऐसे नाम ना ले। तो हम 10 से 20 हजार तक पैसा हम शादी ब्याह में भी दे देला। और जैसे कि 100 सीधी बात आप लोग सबके मन में रहल हो कि हम कितना कमानी, तो हम आप लोग के बता दे बानी कि हम कितना कमानी। महीना में कम से कम 4 लाख रुपया कमानी, जौना में से हम 1 लाख रुपया GST भर देनी और 1 से 1.5 लाख रुपया गरीबन में दान दे देनी, जैसे कि उनके कपड़ा भइल, कंबल भइल, खाना भइल, ऐसी हम दान दे देला। और बचेला जौन पैसा तो वो अपने घर में खा। और हाँ, एक चीज और हम बतावल भुला गए नी रउआ लोग से, आप लोग कहे नी भौजी दूसरे दूसरे के नाम लेके वीडियो बनावे ली, इहो बता देते हैं हम। तो जैसन कि रउआ लोग जानता नी कि हमरे फिल्म सिटी में कम से कम 25 से 30 लड़के 30 लड़की बाड़े काम करे वाला वर्कर वेलकम फिल्म सिटी पे। तो वहाँ पे जो हमार फोन लोग उठावे ला, वो लोग के लिए तभी तो कुछ चाहिए ना, तो वो लोग के लिए भी हम गाना बनाई ला। जैसे कि केहू फोन कर दिया भौजी हमरे नाम से गाना बना दो, तो अगर वो पैसा दे के योग्य ना बा तो कोनो बात ना, वैसे हम फ्री में गाना ना बनाई ला। गाना बनाई ला 300 से लेके 500 से लेके 1000 तक नाम लेके हम गाना बनाई ला, वो से हमके पैसा मिलेला। वो पैसा हम सिर्फ अपने बच्चन में जैसे कि फिल्म सिटी के लेके या फिर कोनो दान पुण्य वाला, यो पैसा हमारा आधा से बेसी दान में चल जाला या फिर मोबाइल रिचार्ज में चल जाला, ठीक बा। तो ई आप लोग जान ली कि भौजी कितना कमेली, कितना खर्च करेली, का करेली। हाँ, पैसा अगर हम बहुत अभी तो हाथ कमाएला अभी तो बहुत आगे हम जाए। आप लोग अगर ऐसे ही दुआ, ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही सहयोग रही तो हम बहुत आगे जाए। और आप लोग कौन होगा यूट्यूबर बानी तो आप लोग के धैर्य रख ले के जरूरत बा, काहे कि यूट्यूब में बहुत जल्दी पैसा ना आवेला, ओमे आप लोग के वेट करे पड़ी, वेट करब सब्र बहुत बढ़िया मिली। और सोशल मीडिया बहुत अच्छा चीज बा, वो आपके गरीब से अथी करके बहुत अमीर बना दी। जैसे कि मतलब हम आगे जाता नहीं, हम बहुत पैसा कमेनी, अभी भी बहुत पैसा कमाई। तो आप लोग के ऐसे ही साथ और सहयोग बनल रहे, तो फिर हम आए एक नया वीडियो में एक नए समय पे। तब तक के लिए नमस्ते। वीडियो अगर अच्छा लगी तो एगो लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करिया लोग। साथ में अगर हमारे चैनल पे नया लोग बाड़ा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। तब तक के लिए पढ़ाओ।